This is a book of class 9 mathematics and of this time I am solving exercise 4.7. Students, question number 1 करवा रहा हूँ, 1 का 4 करवा रहा हूँ, okay? यह हमारे पास एक polynomial दिया हुआ है students, हमको synthetic division के जरिए quotient मालूम करना है, तो हम सबसे पहले इसका ये bracket बनाएंगे यहाँ पे. Students, coefficients को मैं अंदर लिखूंगा यहाँ पे, x के ऊपर coefficient 1 लिखा है यहाँ पे, x square coefficient 6 यहाँ पे लिखा, x का coefficient -11 यहाँ लिखा, कांस्टेंट -6 यहाँ लिख दिया. इन सब को डिवाइड करना है x -2 से. तो x -2 को अगर मैं 0 के बराबर लूँ स्टूडेंट्स और माइनस का 2 इक्वल को उधर लेके जाऊँ तो प्लस का 2 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स अब इसको पूरे पॉलीनोमियल को मैं 2 से डिवाइड करूँगा. तो यहाँ मैंने 2 लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ एक लाइन बना देंगे. ओके, अब ये 1 जो है एज इट इज नीचे उतार देंगे स्टूडेंट्स. 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 2 आ गया यहाँ पे. अब 6 और 2 को प्लस किया तो 8 आ गया, 2 एड्स आर 16, यहाँ 16 आ गया. 16 में से 11 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा. 2 का डबल 5 तक पढ़ेंगे, 2 5 आर 10. तो स्टूडेंट्स 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा. तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन आया है. अब हम इसको लिखेंगे, क्यूबिक इक्वेशन थी, क्यूब से शुरू हुई थी, अब हम इसको एक्स स्क्वायर से शुरू करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे क्यू इंटू एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5. ओके, और रिमाइंडर को हम लिख देंगे रिमाइंडर बराबर है 4 के. और ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स. सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स.